एक तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी मिस्टर अतुल को और मिस्टर बजाज को कि इन्होंने एक ऐसा एनजीओ जो है इनका ऑर्गेनाइजेशन नमस्ते इंडिया जो चला रहे हैं. दूसरी चीज़ मिस्टर एडवर्ड वेलकम टू हिम एंड हिज वाइफ सिंथिया टू इंडिया. एंड बातों को इसलिए भी सुन रही थी, आप लोगों को पता है थोड़ी पॉलिटिकली मैं इनकरेक्ट ज़्यादा होती हूँ, पॉलिटिकली करेक्ट बहुत कम होती हूँ, मगर जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी मैंने वही अभी एडवर्ड को वेलकम करते हुए यही बोला. अब वो ज़माना आ गया वापस जब जो हम किताबों में पढ़ रहे थे वॉर, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड कि अभी कुछ पार्ट्स में वॉर हो रही है और झगड़ा हो रहा है लैंड के लिए और लोगों के लिए. और ये बहुत अच्छी बात है कि हिंदुस्तान और अमेरिका मिल रहे हैं और जहाँ पे लोग बात कर रहे हैं हम वॉल्स बनाएंगे संबंध तोड़ने की, वहाँ पे हिंदुस्तान और अमेरिका एक साथ जुड़े हाथ मिला के रिलेशन बना रहे हैं और आगे ले जाना चाह रहे हैं रिलेशन को. इट्स ऑल अबाउट कल्चर एंड यूनिटी. सो आई एम रियली हैप्पी कि यू नो एक जिसे बोलते हैं ना मेक बिल्डिंग ब्रिजेस, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. वी आर नॉट बिल्डिंग वॉल्स एंड पीपल हु नो दे अंडरस्टैंड द पन इंटेंडेड दैट वी आर नॉट बिल्डिंग वॉल्स, यू आर बिल्डिंग bridges. And I'm really glad कि अब हिंदुस्तान एक दूसरे कदम पे आगे बढ़ रहा है. और की अगर हम बात करें तो ऐसी कंट्रीज के पास ये न्यूज़ ही नहीं जाएगी, आपसे पूछ के क्या फ़ायदा होगा, मत पूछिए. इंडो अमेरिका का जो कोलैबोरेशन है, दो मूवमेंट या आर्ट एंड कल्चर, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये आर्ट कल्चर स्पोर्ट्स एजुकेशन हर चीज़ को मिला के है. देखिए जब आप रिलेशन बिल्ड करते हैं तो आप चाहते हैं कि हर कोई एक साथ चले, बस एक जने का फ़ायदा नहीं हो सकता. जो अमेरिकन से काफ़ी अमेरिकन इंडिया नहीं आए उन्हें पता भी नहीं है क्या कल्चर है. आपको जो सभ्यता से सीखने को मिलता है वो आपको अमेरिका में सीखने को मिलेगा, और जो हमें यहाँ नहीं सीखने को मिलेगा वो हमें जैसे टेक्नोलॉजी, उनकी टेक्नोलॉजी बढ़ के, मगर जो हमारी संस्कार है, जो हमारी सभ्यता है, उसको आगे ले जा सकते हैं. तो इनफैक्ट आर्यभट्ट, एक्चुअली हम टेक्नोलॉजी बात करें, आर्यभट्ट वॉज इंडियन. तो हमने जो शून्य का जो हमने इन्वेंट किया है वो किसी ने नहीं किया पूरी दुनिया में. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कोलैबोरेशन. एंड जैसे मैंने बोला दुनिया आगे बढ़ रही है और इट्स ऑलवेज बेटर अगर आप जैसे बोलते हैं ना, अगर आप जल्दी आगे जाना चाहते हैं तो आप अकेले चलिए, और अगर आप दूर आगे जाना चाहते हैं तो आप लोगों के साथ चलिए. बहुत सारी यूएसए कंपनी अमेरिका में जो बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, खाना बहुत अच्छा है वहाँ का, एजुकेशन बहुत अच्छी है. बट मेरी ज़्यादातर यहाँ पर हुई है या फिर यूके में, अमेरिका में नहीं हुई. बट अमेरिका का आई थिंक लोग बहुत अच्छे हैं अमेरिका में, जो भी एटलीस्ट मुझे इनकाउंटर हुआ है. जो हम काफ़ी लोगों को जो गए नहीं उन्हें मिसकंसेप्शन भी है, रेसिज्म है, वो नहीं है. मैं बचपन में गई थी, मैं अभी गई थी, वो इशू नहीं है. तो एटलीस्ट पीपल आर वार्म. ऑफकोर्स मैं नहीं बोलूँगी हिंदुस्तानियों जितने वेलकम एंड वार्म हैं, बट अब आई थिंक वी आर बिल्डिंग द रिलेशन, तो दे लर्न दैट ऑल्सो फ्रॉम इंडिया. मैम बहुत सारी कंपनी है अमेरिका के जो इंडिया के मूवीज को बूस्टअप कर आगे लेके, जैसे पैरामाउंट हो गया, वो लेके जा रहे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जो अब एक्चुअली हिंदुस्तान भी अपनी फिल्म्स काफ़ी वहाँ पे लेके जा रहा है, तो अच्छी बात यह है. एक तो एंड ऑनेस्टली हॉलीवुड के बाद अगर आप देखें, इट्स बॉलीवुड ओनली जो लोग जानते हैं, किसी और चीज़ को वो जानते ही नहीं है. मैं भी कितनी बार जाती हूँ कहीं पे और लोग मुझे बोलते हो आप कहाँ से हो, आप यूरोपियन लगते हो, साउथ अमेरिकन, देन मैं बोलती हूँ इंडियन एंड मैं बॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ, तो बोलते हो माय गॉड बॉलीवुड सबको पता है. तो अच्छी बात है, बस हॉलीवुड यहाँ पर नहीं आ रहा, बॉलीवुड भी वहाँ जा रहा है. बच्चे लोग चिल्ड्रंस जो एज है उनके हेल्थ को इश्यूज बहुत हो रहे हैं, ड्यू टू मींस एक्टिविटी बहुत कम हो रही है जी, नेट इसके ज़्यादा हो रहे हैं, उसके लिए मुंबई ने एक मुंबई जूनियर मैराथन रखा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे इनिशिएटिव के बारे में, ताकि उनके बूस्टअप मिले उनके हेल्थ. अब देखिए एक तो बात यह है ना कि जब हमारे माँ बाप थे तब टाइम अलग था. हमारे माँ बाप एक तो हमारे माँ बाप थोड़ा हमारे साथ ज़्यादा वक्त गुजारते थे, और अब क्या होता है ना पेरेंट्स में पेशेंस कम है. यू नो या तो दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे थे, आई अंडरस्टैंड. अब फैमिलीज छोटी होने लगी है, पेशेंस भी कम होने लगी है, तो क्या होता है बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं, आईपैड पकड़ा देते हैं कि बच्चा थोड़ा अपना ध्यान वहाँ रहेगा. टीवी हमारे टाइम पे क्या होता था, अच्छा अभी 3 घंटा बाहर खेल कर आना है तो खेल कर आना है, होमवर्क करना है तो करना है, तो फिजिकल एक्टिविटी एक रहती थी. अब बच्चों को कुछ उसके अलावा कंप्यूटर, वीडियो गेम्स, उसके अलावा मेरे खुद कजन्स उन्हें कुछ पता ही नहीं. मेरा अभी तक यह है कि मैं घर पे बैठे बैठे थक जाती हूँ, तो मैं दिन में चाहे अगर मैं जिस दिन कोई शूट या इवेंट कुछ नहीं होता तो 2 बार वर्कआउट कर लूँ. कुछ तो आप फिजिकली एक स्पोर्ट्स करो. तो आई थिंक ये मैराथन इट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज जितना आप नेचर के पास है, हिंदुस्तान में रह के आप नेचर नहीं
उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे अगर यू नो तो आप आई थिंक जितनी ज़्यादा फ्रेशर होगी इट्स जस्ट हेल्दियर बिकॉज यू नो आपको ब्रेन आपकी ब्रेन को भी ऑक्सीजन चाहिए आपको समझ में नहीं आता तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड टू ऑल द पेरेंट्स प्लीज़ अपने बच्चों से आप फ़ोन छीनिए और उन्हें थोड़ा ध्यान दीजिए आई थिंक इन टोटल एक घंटा लिया मेरी टीम ने विद हेयर मेकअप साड़ी पहनने में सो थैंक गॉड शादी भी मेरी शादी पे भी बल्कि ये लोग हेयर मेकअप करेंगे वरना मैं नहीं पहन सकती साड़ी लास्टली आपने बादशाह में देखा आपको बहुत ही अप्रिशिएट किया जी नेक्स्ट कौन से पायलट वी हैव हर्ड दैट यू आर डूइंग अ आरके2 एंड हीरा बेरी वो दे आर गोइंग इन 2017 है ना 2018 समर में दे आर गोइंग बट आई एम स्टार्टिंग वन अनदर प्रोजेक्ट इन फेब्रुअरी बट You'll hear the announcement soon. So Feb mein abhi we are starting, but Aankhe aur Hera Pheri mein abhi time hai. Thank you so much. Thank you.